मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने लिया सौंफ, मेथी, राई और धनिया। इन चारों मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया और इसमें मैंने बाद में थोड़ा काली मिर्च के दाने भी डाल दिए थे और फिर इनको भून के पीस लिया और थोड़ा दरदरा रखना है, दरदरा पीस लिया। और फिर मैं मार्केट से लाई थी हरी मिर्चें, बारीक वाली और मोटी वाली दोनों। तो मोटी वाली मेरे पास आधा किलो है और पतली वाली जो है वो एक पाव लाई थी। तो इस मसाले में फिर मैंने अमचूर पाउडर, नमक और मिर्च और हल्दी ये भी ऐड कर दी। और उसके बाद जो मैंने हरी मिर्चियाँ लाई थी उनको मैंने काट लिया छोटा छोटा और उसमें ये पाउडर जो है 3-4 चम्मच कम से कम मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने तेल गरम करके ठंडा कर लिया था और उसमें हींग भी डाल दी थी थोड़ा सा। तो उसी गरम तेल को मैंने दो करछी, जो छोटी वाली करछी से दो करछी तेल इसमें डाल दिया और मिक्स कर लिया। तो ये छोटी बारीक मिर्ची जो एक पाव थी 250 ग्राम थी, 250 ग्राम, ठीक है, वो तो अचार मेरा बन गया छोटा सा। अब जो बाकी मसाला बचा हुआ था उस मसाले को मैंने यूज़ किया और हाँ ये विनेगर डाल रही हूँ और उसके बाद ये वाला तो तैयार है। उसके बाद फिर मैंने लिया मोटी मिर्च बनाने के लिए जो बचा हुआ मसाला था उसमें थोड़ा सा तेल डाला और ये मसाला सूखा ड्राई जो है तैयार हो गया। अब इसको मैंने जो मोटी वाली मिर्चें थी उसके अंदर भर दिया, इस तरह ये सारी मिर्चें भर दी। और भरने के बाद एक बर्तन लिया, उसमें सारी मतलब जो एक डब्बा लिया और उसमें सारा डाल दी सारी मिर्चें। और इसमें वही जो तेल बचा हुआ था कढ़ाई में तो वो गरम तेल जो था ठंडा हो गया था ठंडा करके, और इसमें हींग दिख रही होगी आपको, तो ये मैंने तेल जो बचा हुआ तेल था वो इसमें डाल दिया और डब्बा बंद करके बस ये दो तरह के मेरे अचार एक ही मसाले में तैयार हो गए। और दोनों को मैंने थोड़ा सा धूप लगाने के लिए दोनों को रख दिया है। अब 2-4 दिन बाद मैं इसको ट्राई करूँगी कि कैसा बना है और फिर दोबारा रिव्यू दूँगी कैसा बना है। तो ये देखो धूप में सूख रहे हैं, 3-4 दिन सुखा लो, खा लो। जय राम जी की।